आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। आपकी वैकेंसी निकली है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। इसके एग्जामिनेशन की आपकी फॉर्म निकले हैं, इसके लिए किस तरीके से आवेदन करेंगे, इससे पहले मैं नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपके लिए बना चुका हूँ, तो आप सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, डिसेबल हो जाता है। ठीक है, आपका कभी कभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन करूंगा जब भी ये मिले तो आप फटाफट से इसको फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक, तो ये देखते रहे, जैसे भी मैंने कुछ समय पहले ट्राई किया था तब हो रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बंद हो गया, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी सर्वर पे थोड़ा लोड ज़्यादा होता है, इस वजह से ये हो सकता है। तो फ्रेंड मैं इसमें बताना चाहूँ किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई टीजीटी एग्जामिनेशन पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टीजीटी क्या आ रहा है, टीजीटी आपको यहाँ पे पीजीटी का देगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड टीचर एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ग्रेजुएशन आपका एग्जामिनेशन का। यहाँ पे आपको तारीख दे रही है 1/10/2020 का आपका एडवर्टाइज नंबर देगा। लास्ट डेट है 29 से लेकर 27/11 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फीस डिपॉजिट करने की 27/11 और फॉर्म सबमिट करने की 30/11 लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट आपका डिटेल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने पे देखिए आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे टीजीटी साइंस है, आपको यहाँ पे एज मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, ठीक, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए 15 आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोशल साइंस के लिए करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्देश दिए हैं, वो निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, जैसे निर्देश पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इस पे क्या होगा, इस पे एक टैब पे क्लिक करना होगा। टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आई एक्सेट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, आई एक्सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी फॉर्म आ रहा है, इसको आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार वाला है इसको आपको मैंडेटरी है, उसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप देखिए टीजीटी आपका दिखाई देगा, सोशल साइंस, यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए 1/7/2020 के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में भी देखने को मिल जाएगा कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्या मेरिड है या यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिटीजनशिप बतानी है, तरीके से यहाँ पे करना है, डोमिसाइल आपको बताना है कहाँ के आपके डोमिसाइल है, तो मैं यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपका जो है अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक, यहाँ पे आपको जो कैटेगरी है, देखिए सबसे पहले आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए आपको बताना है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे यस या नो कर दीजिएगा, मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे आप बताना है एक्स सर्विस मैन है, यस ये आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल है, देखिए यहाँ पे फॉर्म लोड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सर्विस ड्यूरेशन के बारे में बताना है, एक्स सर्विसमैन की इस तरीके से रिटायरमेंट डेट एक्स सर्विसमैन की बताना है, क्या आप हैंडीकैप है, यस या नो कर सकते हैं, यहाँ से यस करते हैं तो फ्रेंड देखिए इसके आपके ये आपको पता चल जाएगा आप किस टाइप का आपका है, आप ब्लाइंड हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है, आप आपको प्रॉब्लम हियरिंग में, तो जो भी आपका है तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देने का, हैव यू पार्टिसिपेट एनी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में, यस या नो कर सकते हैं, यस करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जो डिटेल आती है, यहाँ पे अभी कोई डिटेल नहीं आई है, तो यहाँ पे आपको देखिए आपको कैटेगरी बतानी है, जनरल ST OBC जो भी है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ST OBC करते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इस तरीके से करना है, मैं जनरल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन सबको मैं यहाँ पे हैंडीकेप का नो कर देता हूँ, तो नो केस में आपको किस तरीके से देगा वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आप इकोनॉमिक सेक्टर से हैं, इकोनॉमिक सेक्टर यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए आर्थिक रूप से कमजोर रूप के दावा करने वाले को, परिवार समय स्रोत को, यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है उसको आप पढ़ लीजिए, उसी के हिसाब से यहाँ पे करना है। ठीक है, तो फिर मैं यस ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्टिफिकेट है, यस कर देना होगा। ठीक है, मैं इस तरफ दे देता हूँ, यस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्टिफिकेट के बारे में, इश्यू डेट के बारे में जानकारी देनी होगी,
इग्नोविस अथॉरिटी नेम, डिटेल के बारे में जानकारी दी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट आपका नंबर, आपका जो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश है जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो बताना है किस स्टेट से है, किस सिटी से है, वो जानकारी देनी है। तहसील भी यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। देखिए मैं इस तरीके यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आगरा, यहाँ पे ब्लॉक नेम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको जानकारी देनी है। ब्लॉक बिचपुरी जो भी है आपका ब्लॉक ऑप्शनल है, अगर यहाँ पे छोड़ दिया, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, पुलिस स्टेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए सिकंदरा मैंने पुलिस स्टेशन कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर लिया है। यहाँ पे आपको पोस्ट जो पिन कोड है वो डालना है, ठीक है। ये सब डालने के बाद यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, और यहाँ पे आप दे देते हैं इस तरीके से आपका एवेल्यूशन टाइप, जो भी आपका टाइप है इस तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप 10 मैक्सिमम परसेंटेज डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपके इंटरमीडिएट की डिटेल है, बोर्ड का नाम और रोल नंबर, और यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। जैसे मार्क्स है तो मार्क्स डाल दीजिएगा, CGPA है तो CGPA डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करने के बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल आ रही है, वो मैं आपको फॉर्म जैसे ही फिलअप करूंगा वहाँ पे आपको सभी डिटेल दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये सब आप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैप्चा है, इसको वैलिड प्रीव्यू करिएगा, पहले प्रीव्यू करिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको आ रहा है कि आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायक प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है। हैव यू करंटली एड हॉक टीचर इन एडेड नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, यस या नो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से यस या नो कर दीजिएगा, तो यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी पूरी डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस नाम से है, तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि कहाँ पर विद्यालय आपका स्थित है, विद्यालय का नाम क्या है, आप पिटीशन नंबर क्या है, या पिटीशन इस तरीके से यहाँ पे सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर, लेटर डेट, डेट ऑफ आपका सैलरी क्या है, सब जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो डेटा है अपना उसको फिल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ तरीके से यहाँ पे देखिए नाम है यहाँ पे मैंने फिट कर लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपकी जो एड्रेस है, ठीक है, फोन नंबर है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। फ्रेंड उसके नीचे ही आपको देखिए हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट के आपको जो अपने डिटेल है उसको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको बताना है आपने जो आपने सेलेक्ट किया हो जिस वैकेंसी के लिए, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको आएगा, पूछा जाएगा आपके इतिहास, राजनीतिक, आप भूगोल, शास्त्री, जैसे मैंने सोशल साइंस सेलेक्ट किया था, मैथ होगा तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, क्या क्या आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे आएगा। तो आपको जानकारी देनी है यस या नो में, आपने किस स्टेट बोर्ड से किया है, ठीक है। वहां से यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटियों के नाम पता चल जाएंगे, अगर इसमें नहीं है तो अदर कर दीजिए, उसके बाद अपना इसको जो यूनिवर्सिटी का उसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे आपको बताना है ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको रोल नंबर, यहाँ पे आपको सारी डिटेल है वो यहाँ पे आपको बतानी है। यहाँ पे अगर देखिए आपका जो टाइप है CGPA तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पासिंग डेट आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना होगा। फ्रेंड यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी बीएड की, आपने बीएड कर रखा है, किस स्टेट से कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरीके से यहाँ पे आपको ईयर, रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको किस सन में पास किया था, CGPA के मार्क्स इसी तरीके से देने होंगे, ठीक। तो फ्रेंड ये दे सकते हैं, मैंने डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है इस तरीके से बीए की और बीएड की। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, आप इस तरीके से यहाँ पे यस या नो करना है आपको जो कि एडेड नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ाते हैं या नहीं, तो आपके शिक्षक यस या नो कर दीजिए। यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, फिर वैलिड आपको करना है और प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा सारी डिटेल। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी डिटेल है उसको आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी डिटेल होगी वो जो कि आ रही होगी, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपने जो फॉर्म फिल करा एक बार अपनी जानकारी को एक बार मैच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट करना चाहते हैं तो एडिट से यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन लगती है आपके मार्कशीट के अनुसार, सारे रोल नंबर जो भी आपने डिटेल चढ़ाई है उनको एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे आप इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक आपको एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्रेशन नो आफ्टर कन्फर्म सबमिशन प्लीज टेक योर प्रिंट आउट योर रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड प्रोसीड फर्दर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरीके से यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा, आपकी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप इस पे ओके पे क्लिक करिए। तो फ्रेंड इसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप संभाल के रखिएगा अपने पास रजिस्ट्रेशन नंबर को, ठीक है।
इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन स्लिप कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। अगर मान, क्योंकि ये फ्रेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेबसाइट बीच बीच में आपकी क्रैश हो जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जैसे पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे आपने इसी पेमेंट भी नहीं किया तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पेमेंट के ऑप्शन पे भी आपको जा सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से जाना है, सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक आप जिस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है फॉर्म भरते समय, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही हो। नीचे यहाँ पे देखें, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी फीस दिखाई दे रही है, आपकी कितने रुपये फीस है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा गेटवे आ जाएगा पेमेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो नोट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल है वो आ रही होगी, ठीक है। इसको प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे आप देना इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग या योनो से करना चाहते हैं या अदर बैंक से, जिस तरीके से यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। मैंने यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग को चुन लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन है जो फिल करूँगा। तो फ्रेंड देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे आपको करूँगा तो आप यहाँ पे कंफर्म करने वाला, पेमेंट के लिए मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल आ रही है फिर से यहाँ पे कंफर्म करना हो जैसे कि हम जानते हैं। फिर इसके बाद मेरे मोबाइल पर OTP आएगा, मुझे OTP को जमा करना है यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन करना है। यहाँ पे प्रिंट फॉर रिपेमेंट रिसीप्ट का है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर आ जाएगा, वो हमें इस पर करना है। तो देखिए देख सकते हैं हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है कि आपका पेमेंट किया या नहीं किया, ठीक है, दोनों किसकी बात कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने का आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के आ रहा है। यहाँ पे आपको फी डिपॉजिट करना है, आपको यहाँ पे फी डिपॉजिट करने पर है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका फी डिपॉजिट नहीं हो पाती है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इस वाले लिंक पर जाना हो जो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, इस वाले पे क्लिक करता हूँ, फी डिपॉजिट फंक्शन रिकंसिलेशन पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने फी जमा कर दी है, ठीक है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर करना है फोटो अपलोड करने, तब उस केस में आपको यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला वाला दिखाता हूँ, ठीक है। तो उस पर हम क्लिक करते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आ रहा है। तो ये देखिए आपका जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, जो कि हमारा जो मेन पोर्टल है जिस पर रजिस्ट्रेशन करने का है वो है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को लिया फी डिपॉजिट करने का आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फी डिपॉजिट करनी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। अब क्या हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर करने के बाद ही आपको फी डिपॉजिट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो यहाँ पे आपको क्या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी और कैप्चा फिल करना और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर करेंगे तो यहाँ पे आपको फी पेमेंट करने का मोड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए आपने फी पेमेंट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, प्रोसीड टू स्टेप पर करेंगे, यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे इस तरीके से यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ उसके बाद आपको कैसे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डिटेल डाल रखी है आपके लिए, है ना, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर मिला होगा वो आपको डालना है। जैसे आपने फीस जमा करी है तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन नंबर भी मिलेगा तो उसको आपको संभाल के रखना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट है उसको संभाल के रखना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन डेट को आपको पता होना चाहिए किस तारीख को डाला है, यहाँ पे मंथ ईयर आपको बता दिया, जैसे मैंने आज का किया तो मैंने आज ही का डाल दिया, ठीक है। इसके कैप्चा को फिलेट करेंगे, सबमिट और आपको क्लिक कर दे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी डाली थी फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने इन सब पे ट्रांजेक्शन आईडी डाली थी, देखिए मेरा ये आ गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड इसके बाद जो स्टेप है हमारा फोटो अपलोड का स्टेप रह जाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको फोटो अपलोड करना है वो 35 KB का होगा, यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी इसकी डायमेंशन की सारी जानकारी यहाँ पे देखने को 15 KB का आ रहा है, 35 KB का रखना है। इस तरीके से फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे देख सबमिट करेंगे डिटेल को, ठीक है, फोटो को, यहाँ पे आपको डिक्लेयर डेट हैव यूजर इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो अपनी डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बताना है, इसके बारे में जानकारी मैं देता हूँ। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपने MED की उपाधि करी है या CNO करना है, डीफिल किया है या PhD करी है उसकी जानकारी या CNO करना है, किसी भी मान्यता प्राप्त BEd उपाधि या LT उपाधि है, यस यहाँ पे आपको करना होगा या CNO,
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करने के बाद ठीक, तो यहाँ पे आपकी डिटेल है उसको आपको देखने को मिल जाएगी ठीक। उसके बाद फ्रेंड आपको सीवी में नीचे आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आवेदन वर्ग में किस आपको कॉलेज संस्थान बालक बालिका प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बालक वर्ग या बालिका वर्ग में दोनों में से किसी एक पे क्लिक करना होगा ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक करने का, तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर वाली जो जानकारी है मैं डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है ठीक है। यहाँ पे इसका देखिए आपको जो आ जाएगा सबमिट कर, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैप्चा आ रहा है उसको कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना होगा ठीक है। इस तरीके से कर दीजिएगा, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन आईडी आ रही है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप जरूर डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि ये फ्रेंड जब भी आपके जैसे सिलेक्शन होता है तो अब ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आपसे विशेष तौर पर इसको ईमेल आईडी पर पीडीएफ बनाकर या ठीक है इसको संभाल कर रखना है, तो ये बहुत काम का रहता है। तो आपके मोबाइल पर कहीं पर भी आप इसे सुरक्षित जहाँ पर रख सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जिस जगह भी आपको उसको पीडीएफ को अपने जो पेपर दे रहे हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म को मेन रहता है, इसको विशेष तौर पर आपको संभाल कर रखना है ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस थी मैंने बता दी। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।